हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, लिंक यहां पर ओपन हो चुका है आप लोगों का एएलपी के लिए, आपका वैकेंसी और या आपका ट्रेड कैसे चेंज किया जाए इसके लिए वैकेंसी हो जाए तो मैं दिखा दूंगा। पहले तो आपको ये जो 9 इंस्ट्रक्शन है इसको अच्छी तरह पढ़ना है। क्या क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर द वैकेंसी टेबल प्रोवाइडेड इन द राइट हैंड कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पर है वैकेंसी टेबल, तो इसमें क्लिक करोगे ऐसा कुछ आएगा। आप किसी भी एक आरआरबी को चुन सकते हो जिसे आरआरबी को आप अच्छा लगे। और देखो, एक आरआरबी को चुनकर आपको जो करना पड़ेगा, तो आप कौन सा सीट में हो, आप आईटीआई में हो या आप आईटीआई में हो या डिप्लोमा में हो या बीटेक में हो, ठीक है, ऐसा करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर आपको जाना है। मैं जो कहा कह रहा हूँ ये एक एक, ये देखो पहला फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, ये तीन जो सीट है ना, ये सब इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक आईटीआई इस तीनों में। लेकिन ये जो सब सीट है ना, इसमें सिर्फ आईटीआई एडम कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आईटीआई एडम कर सकते हैं। ओनली 134 एंड 136 देख लीजिए अच्छी तरह से, देखिए 134 एंड 136, ठीक है, और ये रहा 136। इस तीनों में एच एस साइंस, इस तीनों में ITI, इस तीनों में डिप्लोमा, इस तीनों में बीटेक, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस 134 एंड 36 में कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, मेरा बात आप समझ में रहेंगे। और बाकी जितना भी टेक्नीशियन है ना, उसमें कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, और हाई सबसे ज़्यादा हाई रहेगा 134 30। देखिए ये किसी भी आरआरबी का है, मैं किसी भी आरआरबी का बोल रहा हूँ, ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, जिस कोई भी आरआरबी का चुन लो तो उसमें टेक्नीशियन ग्रेड थ्री का कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि ये पे कंपटीशन ज़्यादा है, एचएस साइंस वाले भी रहेंगे, डिप्लोमा वाले भी रहेंगे, बीटेक वाले भी रहेंगे। ठीक है, और जो एएलपी में है, एएलपी में सभी अप्लाई कर सकते, तो उसमें भी है। बाकी सारे में तो सिर्फ आईटीआई का लोग है, तो आईटीआई में ही कंपटीशन होगा, तो थोड़ा कट ऑफ कम रहेगा। और आईटीआई के वालों को मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको अप्लाई करना है टेक्नीशियन में ही। ठीक है, इसमें आपका नौकरी कन्फर्म हो सकता है। देखिए, आरआरबी आपको चुनना है, आरआरबी देखिए मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ। कई पर जगह आप देख सकते हैं एएलपी मैकेनिकल का सीट 1000 से ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा और मैकेनिकल का कट ऑफ तो कम रहेगा। देखिए एएलपी में डिवीजन में एएलपी इलेक्ट्रिकल, एएलपी मैकेनिकल। देखिए यहाँ पर एएलपी इलेक्ट्रिकल देखिए 700 प्लस 400 इलेक्ट्रिकल है और 200 मैकेनिकल एएलपी है। ठीक है, 1200 इलेक्ट्रिकल एएलपी है और 200 मैकेनिकल एएलपी है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है 1200 इलेक्ट्रिकल एएलपी का कट ऑफ कम रहेगा और 200 मैकेनिकल एएलपी का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, रहेगा ही क्योंकि सीट कम है ना, कट ऑफ तो बढ़ेगा। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है, हम सिर्फ गाइडलाइंस दे रहे हैं, डिसीजन आपको लेना है कौन सा आरआरबी में आपको जाना है। ठीक है, और आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते ईस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न, ऐसे करके सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम पूरा वीडियो कंप्लीट करते हैं, पूरा वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड देखिए, टेक्नीशियन ये देखिए, टेक्नीशियन आर्मेचर कॉयल वाइंडर, इसमें तो इलेक्ट्रिशियन दे सकते हैं और वो जो वायरमैन दे सकते हैं शायद। ठीक है, तो इसमें सीट थोड़ा कम है। ठीक है, मैकेनिकल, इसमें आईटीआई फिटर, आईटीआई मशीनिस्ट, आईटीआई टर्नर, ये सब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन कहाँ है, उन दोनों के पीछे है ना, तो उन लोगों के पीछे तो क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो ये रहा, और 9 जो स्टेप्स हम दिखा रहे हैं, देखिए कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द करेक्ट क्रेडेंशियल्स। ओके, टू सिलेक्ट, थर्ड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, टू सिलेक्ट द आरआरबी कैंडिडेट्स नीड टू क्लिक ऑन द बटन ऑन द आरआरबी नेम एंड सिलेक्ट द 7 नेक्स्ट। फॉर द चूजन आरआरबी द लिस्ट पोस्ट फॉर द कैंडिडेट्स इज एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल फॉर द चूजन आरआरबी द लिस्ट ऑफ द पोस्ट फॉर विच द कैंडिडेट्स एलिजिबल विल बी डिस्प्लेड टू एनेबल द कैंडिडेट्स टू एंटर प्रायोरिटी नंबर ऑफ द प्रेफरेंस। ठीक है, उसमें दिखा दिया जाएगा, हम अभी दिखा देंगे आपको। कैंडिडेट्स विल बी डायरेक्टेड टू द पेज वेयर दे कैन सिलेक्ट द एग्जाम ट्रेड फॉर द सेकंड स्टेज। इन केस ऑफ द कैंडिडेट विद ओनली आईटीआई क्वालिफिकेशन द एग्जाम ट्रेड एज पर द आईटीआई ट्रेड। अगर ट्रेड आपका आईटीआई हो तो आप ट्रेड चेंज नहीं कर सकते, कि आप आईटीआई फिटर से हो तो आप चेंज करके आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में नहीं जा सकते। फॉर द अदर कैंडिडेट्स ऑल द रिलेवेंट ट्रेड्स ऑफ द क्वालिफिकेशन गिवन इन द देम एप्लीकेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखिए हम दिखा देंगे, देते हैं अभी। सच कैंडिडेट्स नीड टू सिलेक्ट वन ऑफ दिस ट्रेड्स एट द एग्जाम ट्रेड। कैंडिडेट्स नीड टू कन्फर्म मॉडिफाई द बैंक डिटेल्स थ्रू देम। और स्टेप 9 में कैंडिडेट्स विल प्रोवाइड न्यू प्रीव्यू ऑफ द अबव डिटेल्स, एंड प्रीव्यू के बाद आपको कन्फर्म करना है। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं यहाँ पर क्या करना है। देखिए यहाँ पर दोनों पे क्लिक करना है और इसके बाद लॉग इन करना है। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन आईडी देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, तो हम दे देते हैं उसके बाद वीडियो कर देते हैं, ठीक है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी पासवर्ड दे दोगे तो ये एक वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें देखो आपको सिलेक्ट करना है आरआरबी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप अपना खुद का आरआरबी सिलेक्ट कीजिए, मैं एक सिलेक्ट करूँगा तो वही आप सिलेक्ट करें। यू हैव सिलेक्टेड आरआरबी कोलकाता एज आरआरबी, क्लिक हियर टू कन्फर्म। मैंने कन्फर्म कर दिया और यहाँ पर दे देना है YJC8, ठीक है, इसको देना है और 7 नेक्स्ट करना है, ठीक है। ओके, देखिए अब आरआरबी सिलेक्ट तो मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पर आप कौन सा ट्रेड में दे सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। इस तीनों में आप दे सकते हैं, ठीक है, इस तीनों में आप दे सकते हैं। इसमें प्रायोरिटी चूज़ करना पड़ेगा 1, 2, 3, ठीक है। इसमें कहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल भी दे सकते हैं, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो प्रायोरिटी अगर आपका प्रायोरिटी रहेगा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता तो 1, इसका 2, इसका बाद 3, ऐसे ही चूज़ करना है, ठीक है, और इसको सबमिट करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम ट्रेड, इसके बाद आपका एग्ज़ाम ट्रेड डिटेल्स आपका चेंज करने देगा। तो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो आपको यह से सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप लोग जब ITI से दोगे तो आपके ITI के लिए बहुत सारा लिस्ट आएगा और उस लिस्ट में आप देख लोगे कौन से प्रायोरिटी में 1 देना है, कौन 2 देना है। जहाँ पर जितने भी RRB जितने सीप सबसे ज़्यादा रहे तो उसका प्रायोरिटी 1 देना चाहिए, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिकल में जिस नंबर में आपका ज़्यादा है तो उसमें आप दे सकते हो, और जिसमें 2 मतलब जिसमें थोड़ा कम है वैकेंसी उसमें 2, उसके बाद 3, ऐसा करके। अगर आप ITI फिटर हो, अगर आप ITI फिटर हो तो फिटर का जब से ज़्यादा उस RRB में, फिटर RRB उस RRB में आपका जो फिटर का सबसे ज़्यादा पोस्ट है उसमें आपका सबसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना तक ही मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा और आप लोगों को जाना है RRB सिलेक्ट करना है। देखिए ध्यान से टाइम लीजिए, सोच लीजिए, सजेशन लीजिए, ठीक है, उसके बाद अप्लाई करना है। जल्दी जल्दी नहीं करना है, टाइम है, 1 तारीख तक टाइम है, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। मैंने से प्रोसेस दिखा दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, सिलेक्ट ढूंढिए कौन सा आरआरबी आपके लिए सीट्स सबसे ज़्यादा है, सेकेंड सीट सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या है। मान लो कि आप ITI फिटर हो, तभी ढूंढो किस RRB में आपके सीट ज़्यादा है, उस RRB आपका घर से कितना दूर है, ये सब बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा। उस RRB में देखिए, मैंने कहा ITI के लिए कट ऑफ कम रहेगा, ठीक है। तो बस यही तक, और फिर भी अगर क्वेश्चन रहे आप लोगों के पास तो आप लोगों को एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में पूछना होगा, ठीक है। मैंने गाइडलाइंस दे दिया, किंतु डिसीजन आपको ही लेना है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम ट्रेड सिलेक्ट करना है, उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो देखते रहिए हमारे चैनल स्टडी गाइड।